इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रजत मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें आज के मंगलाचरण इन्होंने किया नेवरा समाज से ही। मैं चलता हूं शास्त्र भेंट के लिए, मैंने नाम आमंत्रित किए थे शास्त्र भेंट के लिए, आ जाएं और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य श्री अतुल जी काका, सिद्धार्थ आदि चंदू काका ज्वेलर्स पूना, जिन्होंने सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आ जाएं। श्रीमान नेमी चंद जी बजाज दमो, श्रीमती सरिता बजाज, सचिन शुभम एम जी परिवार दमो आ जाएं, और श्री यश जी राजनांदगांव, श्री सुरेश कांत जी राजनांदगांव आ जाएं, शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री बेंगलोर दे बेंगलोर ज्ञानोदय समाज बेंगलोर, विकास जैन, पुष्पा जैन, चंदा जैन, संदीप जी आ जाएं, श्री विपिन कुमार, सीमा, राहुल, भावना, जयपुर राजस्थान, शास्त्र भेंट करें। जय जिन वाणी जग कल्याणी तारो मा, ये विनती है हम सब की सुन लो माँ, ये विनती है हम सब की सुन लो माँ। जय जिन वाणी जग कल्याणी तारो माँ, ये विनती है हम सब की सुन लो माँ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। आइए हाँ, अग्रवाल समाज के महिला मंडल आई है यहाँ, उनसे भी निवेदन करता हूँ आए श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। नेवरा समाज में सकल समाज पूज्य गुरुदेव के चरणों में आतुर है अपनी भावनाओं व्यक्त करने के लिए, उन सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। आइए चलते हैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में, पूजन का सौभाग्य आज महिला मंडल टैगोर नगर में प्राप्त किया है। शुरू करें आज की पूजन। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नो गाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ब्रीम अष्टोदश आचार्य विद्या का सागर महामुनिंद्राय अत्र अवतरोत्तर सम्मोषणावाननम, अत्र तिष्ठिष्ठैठै स्थापनम, अत्र मम सन्नीतो भवभव षट् सन्निधिकरण परिपुष्पाञ्जलि चिपे। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा, क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतल तापाने अब तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुन्द्राय भवाताप विनाशनाय चंदन निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए।
ओम रीमाचर भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निर्वामिति इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला मैं काम भाव विध्वंस हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ मन वजन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ ओम रीमाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ नैवेद्य समर्पित करके मैं त्रिसेना की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा ओम रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरोपामे दे इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था यह अशुभ कर्म सब पुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसलिए तो ऊँचे चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ ओम रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय अष्टक्रम दनाय धूपम निरोपामे दे भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है ओम रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति जग के वैभव को पाकर मैं निष्दिन कैसा अलमस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है ओम रीमाचार्य भगवान विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्ग पद प्राप्त है अर्गम निर्वपामिति भावों की निर्मल सरिता में ने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय साक्षात यहाँ विराजमान उनके चरण में मन वचन का ऐसे अनर्ग पद प्राप्त पूर्णार्गम निर्पामिते हाँ आइए देखिए हाँ शास्त्र भेंट करने के लिए एक नाम और आया श्रीमती सरिता जैन झाड़ सुगुड़ा से हमारे बीच उड़ीसा से पधारे हैं आए और शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें हाँ सभी युवक मंडल नेवरा से भी निवेदन करता हूँ आए श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें श्री रायपुर जैन समाज से हमारे बीच में मालवी रोड के अध्यक्ष भाई संजय नायक जी उपस्थित हुए हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ आए श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें और टैगोर नगर के हमारी समिति के सदस्य आए हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ आए श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें नवीन मोदी जी और उनकी पूरी टीम भाई सौरभ जी सभी लोग आइए मैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से लेखक लज्जा राम तोमर की भारतीय शिक्षा के मूल तत्व पुस्तक प्रतियोगिता के
वतन की कमान। विगत तीन प्रतियोगिताएं ऑनलाइन आयोजित की गई, जिसका अभूतपूर्व प्रसाद हम सभी को मिला, प्रतिसाद मिला। और यह भी प्रतियोगिता निःशुल्क है, ऑनलाइन और खुली किताब के माध्यम से 23 जनवरी के बीच आयोजित की गई है। www.vidyasagarguru.com में डॉट गुरु में आप यह पढ़कर प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। और जिसके लिए 1,00,000 रुपए से के आसपास के पुरस्कार रखे गए हैं, जो कि गणतंत्र दिवस के की पूर्व संध्या पर यह एक भव्य संदेश देश भर में जा रहा है कि वतन की कमान निशुल्क प्रतियोगिता का आयोजन पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहां पर हो रहा है, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको समय समय पर दी जा रही है। कोई भी उम्र वर्ग धर्म के विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, गृहिणी, व्यापारी, इंजीनियर, सीए, वकील, जज, सभी इसमें भाग ले सकते हैं। हमारे बीच में शंकरनगर से श्री प्रियेश जी आए हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए, हाँ, आदरणीय भैया जी का जन्मदिन, श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, आइए सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हम चलेंगे पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण श्री प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करेंगे आज की इस धर्म सभा को संबोधित करने की महती कृपा प्रदान करें। करोड़ों मुखों से मैं गुरुदेव के गुणों को गा नहीं सकता, करोड़ों मुखों से मैं गुरुदेव के गुणों को गा नहीं सकता, जहां गुरुदेव पहुंचे हैं वहां मैं जा नहीं सकता। करोड़ों मुखों से मैं गुरुदेव के गुणों को गा नहीं सकता, जहां गुरुदेव पहुंचे हैं वहां मैं जा नहीं सकता, मगर एक बार गुरु चरणों में जो आ गया बंधु, वो अपने जीवन में क्या कुछ पा नहीं सकता, वो अपने जीवन में क्या कुछ पा नहीं सकता। आइए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि हम मंगलमयी वाणी से हम सभी को संबोधित करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सभ्यसाहूणम। देवरा के श्री शांतिनाथ भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मुख माटी रचित आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की जय। पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री चंद्रप्रसाद सागर जी व निराम सागर जी महाराज की बोले। परम पूज्य प्रसाद सागर जी महामुनिराज की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। इसके लिए इंग्लिश में भी कहावत है, ऑल दोज ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। जो भी चमकने वाली वस्तु है वह सोना नहीं होती है। तो क्या होती है उस सोना में, ऐसा क्या विशेषता है? तो सोना की विशेषता देखते हैं तो सबसे पहले सोना में एक पीलापन रहता है। तो पीलापन तो हमारे पाषाण के मंदिर जो बन रहा है निवरा में, उसमें पीलापन है कि नहीं है, बोलो। इसलिए यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं भगवान के सेवक हैं, सब ने पीली टोपी लगा के रखी है, वो सोना हो जाएगा क्या? सोना में पीलापन के साथ साथ में क्या है? लचीलापन भी है। क्या है? लचीलापन भी है। और एक और बात विशेषता है कि लोहे आदि में जंग तो लग जाती है, कभी सोने में जंग नहीं लगती है। हजारों साल पानी पड़ा भी रहेगा तो उसमें कभी भी जंग नहीं लगती है, आपने देखा तो बता देना। और वह आकर्षक होता है, उसमें तरलता जो होती है हमारे आंखों के लिए वह आकर्षक होता है, तरलता भी गुण होता है, ये सब विशेषताएं उसमें पाई जाती हैं। इसलिए सोना गोल्ड जिसको कहते हैं अलग ही होता है। भारतीय संस्कृति में सोना पहना ही नहीं जाता है, खाया भी जाता है। स्वर्ण भस्म आदि आती नहीं आती हैं, आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है। तो सोने की इतनी विशेषताएँ होती हैं, प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। अब कहते हैं कि इंसान जो है मनुष्य बहुत दुर्लभ है, सोना जैसा है, उसकी भी क्या विशेषता क्या है? तो
मनुष्य हो या पशु हो, सब में काफी ऐसी समानता होती है। हाथ है, दिमाग भी है, बहुत से पशु जैसे बंदर हैं, चंपा जी होते ना, चूहा है, जिन्हें परीक्षण किया जाता है कि मनुष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, चूहा में देखा जाता है, बंद देखा जाता है। तो बंदर, चूहा, चंपा जी आज जितने पशु भी हैं वो मनुष्य के समान ही हैं। तो मनुष्य में उनमें अंतर क्या कहलाया? उसमें अंतर ये कहला जाता है कि मनुष्य में दया भाव है, क्षमा भाव है, करुणा भाव है, परोपकार के भाव हैं। इन सब के कारण से मनुष्य सोना के समान अलग होता है। संसार में अनेक धातुएं हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने एक तीसरे अध्याय में वर्णन आया है कि जम्बू द्वीप जो होता है उसके भाग होते हैं, उन भाग को करने के लिए पर्वत होते हैं। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक गन्ने का टुकड़ा है और 50 बच्चे हैं, कितने टुकड़े करने पड़ेंगे उसके? कितने करने पड़ेंगे? गन्ने के रस का डंडा पूरा, गन्ने का रस है ना, 49 बार आप करोगे तो अपने 50 टुकड़े कितने बार करने पड़ेंगे? आखिरी का जो बचेगा उसके आप करोगे तो अपने आप उसके 2 हो जाएंगे ना। इसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखना कि जम्बू द्वीप है ना, उसके 7 है, तो 7 उसके क्षेत्र होते हैं, तो उसके लिए कितने प्रकार से 6 पहाड़ हैं, 6 पर्वत हैं, तो उन 6 पर्वत से वह 7 क्षेत्र बन जाते हैं। वो जो पहाड़ पर्वत कैसे हैं, वो हिमाजुन, कैसे हिमाजुन तपनी बेडू रज हिमया, मतलब हिमय है, कुछ रज जैसे भी हैं, कुछ सोने जैसे, लाल जैसे भी हैं, कई प्रकार उसमें सोने के उसमें रंग जैसे, उस प्रकार से ज़्यादा पहाड़ हैं। इस सोने की विशेषता होती है, इसलिए मनुष्य जन्म भी सोने से कम नहीं है। इसका सदुपयोग करना हम सबको सीखना चाहिए। एक राजा के 3 बेटे थे, अब किसको हम उत्तराधिकारी बनाएं? ये बड़ा प्रसंग था, समस्या थी, समस्या तो उसका हल भी होना चाहिए। तो राजन ने कहा, एक काम करो आप लोग कि किसी स्थान पर जाकर के अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति को लेकर के आ जाओ। तो ठीक है, बड़ा बेटा गया तो धर्मात्मा व्यक्ति को ढूंढने लगा। उसने देखा कि जो बहुत पूजा पाठ आदि सब कार्य कर रहा है, सब कर रहा है, उससे पूछे क्यों आप कर रहे हो? भाई इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमको अगले भाव में अच्छे काम करना, अच्छे स्वर्ग मिलेगा और अच्छे अच्छे वैभव मिलेंगे, इसलिए मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ, इस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति लग रहा है। उसको लेकर के राजा अपने पिताश्री के पास में आ गए कि राजा बहुत धर्मात्मा व्यक्ति है, क्या करते हो, कैसे करते हो? तो राजा ने कहा, आप कार्य तो अच्छा कर रहे हो, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इसके पीछे आपकी अपेक्षा है, कुछ चाहत है, इसलिए आप कभी पेंडिंग में रखते हैं। दूसरा बेटा किसी व्यक्ति और को लेकर के आया। उसने कहा, क्यों भाई, क्या मैं सबके लिए तो सबकी सहायता करता हूँ ताकि बाद में हमको चुनाव के, चुनाव तो हो गए ना आपके, अब गिनती होने वाली है ना, हम इसलिए सहायता करते सबकी कि बाद में उसके बदले में हमको ये वोटों से हमको जिता देवे। मैं सहायता करता हूँ, किसी की नल की समस्या है, बिजली समस्या है, सफाई की समस्या है, किसी के कुछ चिकित्सा संबंधी कार्य नहीं हो पा रहे हैं, बिल पास नहीं हो रहा है, किसी की जमीन वगैरह लफड़े में पड़ी हुई है, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, लेना देना चल रहा, सब कर रहा है, हम सबकी सहायता करते रहते हैं ना, ये भी परोपकार कहना है, हेल्प कर रहे हैं। इस हिसाब से उसने कहा, हम इस ढंग से कार्य कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसमें भी तुम्हारे, तुम कार्य तो अच्छा कर रहे हो, इसके पीछे तुम्हारी तो यही भावना है बदले में कुछ मिल जावे। पेंडिंग में रखा, ठीक, अच्छी बात है। तीसरा बेटा राजा का, वो लेकर के गरीब व्यक्ति को लेकर के आ गया, फटे बड़े कपड़े सब थे, क्यों भाई क्या है?
उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं है, मुझको कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है जो कि और गरीब है, कोई पशु दिख जाते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, बदले में तुमको क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हो? कुछ नहीं, मैं समझता हूँ जैसा मैं, मेरी आत्मा है, मैं ऐसी आत्मा इन शरीर है, ये सोच करके मैं सेवा करता रहता हूँ। तुम क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें मैं तो भगवान का यही काम करता हूँ, मैं कोई धर्म पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं हूँ, क्या किसी सहायता कर सकता हूँ किसी ढंग से, किसी आपस में जा करके किसी काम कर सकता हूँ, मैं इसी कार्य को करता रहता हूँ, बस यही हमारा कार्य है। अब राजा को निर्णय करना था कि तीनों बेटों में किसको उत्तराधिकारी बनाया जावे, निर्णय कल आने वाला, कल 3 तारीख ना, राजा ने तुरंत ही निर्णय कर दिया, तीन बेटे थे, कल भी 3 तारीख है, कौन सा निर्णय किया महाराज ने, राजा महाराज ने कौन सा निर्णय किया, कौन सा बेटा उत्तराधिकारी इस राज्य संभालने के योग्य है, पहला, दूसरे का नंबर आया, तीसरे बेटे को उन्होंने कहा ये मानव की भावना समझता है, प्रत्युत्तर में उसके बदले कुछ चाहत नहीं इसकी, इसलिए इसके योग्य है। जैन दर्शन ही नहीं, प्रत्येक भारतीय दर्शन के जितने भी धर्म हैं, सभी के यही कहना है कि हम अपना कर्तव्य करें, अपनी ड्यूटी करें, लेकिन उसके बदले कुछ हमको प्राप्त हो जाए, ऐसी बिना भावना के निष्काम भक्ति के साथ में ही प्रभु गुरु की पूजन लाभकारी होती है। जैसा कि यहाँ पर अभी आप सभी ने देखा, रायपुर टैगोर नगर और यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरु की भक्ति भाव से पूजन की, बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी कर्म की निर्जरा हो जाए, कर्म निर्जरार्थम, ये भावना करते ही हमको ये सभी कार्य करते रहना चाहिए, यही इस मनुष्य का जो सोने जैसा हमको मिला हुआ है, दुर्लभता के साथ में भाव मिला है, उत्तम कुल मिला है, इसलिए ऐसे करना चाहिए। अब उस क्षमा भाव को धारण करने वाले तो मुनिराज जी होते हैं। अब उन महाराज जी के ऊपर महाराज ध्यान में बैठे हुए थे, किसी ने आकर के सर पर डाल दिया, गले में मरा हुआ सर पर गले में डाल दिया, इतना ही नहीं उसने उस गाली भी दे दी। कौन सी गाली दे दी? पागल, लुच्चा, नंगा, पापी, ऐसी उचक्का, ऐसी अनेक गालियां भी दे दी। अब महाराज जी तो अपने ध्यान में लगे रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो समाज वाले थे आसपास थे उन सबको गुस्सा तो आ जाएगा कि हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए महाराज ऐसा क्यों कहा, क्या कहा? कल कहा था ना, सहन शक्ति होना चाहिए, सहन करना चाहिए, रहते सहते कहते कुछ ना। और जब महाराज जी का ध्यान टूटा अपने समझे, और सब लोग में आक्रोश था, होना स्वाभाविक है, आक्रोश हो गया कि महाराज जी उसने ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया है, हम छोड़ेंगे नहीं उनको, हम हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, और जो भी जैसा प्रसंग आ जाता है सबसे कहा। महाराज जी उनको समझाया, भाई क्या उन्हें क्या कह दिया, अरे आपके लिए ऐसा ऐसा का गाली दे दी है। तो महाराज जी उसने कुछ गलत तो नहीं कहा, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे महाराज कोई पागल बोल दे, चक्का बोल दे, लच्चा बोल दे, ये हम सहन नहीं कर सकते हैं। महाराज जी भाई उसने सही कहा है, गलत नहीं कहा है, कैसे सही कहा है भाई बताइए आप, उन्होंने कैसे सही कहा है, उन्होंने कहा है नंगा है, नंगा है भाई, दिगंबर नंगा होते ही है, दिगंबर जो होते हैं नंगे कराते हैं ना, उसने कहा गलत कहा है, सही तो उसने कहा है। अच्छा ठीक है, आपने बात मान ली आपने, उन्होंने कहा कि उन्हें आपको लुच्चा क्यों कह दिया। तो महाराज जी ने कहा मैंने कल ही तो लॉन्च किए हैं, अपने केस लॉन्च किए हैं, तो उसने कोई गलत तो नहीं कहा है, देखो अंदर की भावना देखो, उसने गलत नहीं कहा, सही कहा है उसने, इसलिए कि हमने कल ही केस लॉन्च करके हम आए हैं, तो जो अपने केसों का लॉन्च करता है तो लुच्चा कहला गया, उसे पागल भी कहा है, पागल अच्छा नहीं माना जाता है। भैया हम उसी कार में लगे हैं, कर्मों की निजरा हो जावे तो पापों को हम गलाने में लगे हैं, इसको कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि वो सही कह रहा है कि जो पापों को गलाने में लगा रहता है वो क्या कहलाता है, पागल कहलाता है। अच्छा
अच्छा पापी क्यों कहा है? पापी गलत, ये तो गलत बात है, जो पाप करता पापी कहलाता है। नहीं, उसने सही कहा है। कैसे सही कहा है? भाई मैं इसी कार्य में लगा हुआ हूँ, पापी मतलब पापों को पीता रहता हूँ। जो पापों को पीने का काम करता है वो क्या कहलाता है? पापी कहलाता है। महाराज जी आप तो हम सभी बातों को ऐसे कह रहे हो। अच्छा ठीक है, पाजी क्यों कहा उसने फिर? ये तो बहुत गलत बात है, है ना? गाली जैसे कहलाती नहीं कहलाती है। पाजी क्यों कहा उसने? ये ठीक नहीं है। उसने सही कहा है। क्यों सही, कैसे सही कहा है? पाजी का मतलब होता है पाजी, जी यानी जीतना, जो पापों को जीत रहा है पुण्य के माध्यम से वो कहलाता है पाजी कहलाता है। अच्छा उचक्का क्यों कहा है? जो कितनी सारी गालियां आ गई सबका एक कहलाती पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। उचक्का क्यों कहा है? उसने मेरे को सही कहा, उचक्का कहा है। अच्छे नहीं कहलाते तो भैया जो मुनि बनते हैं, धर्म पालन करते सब करते हैं, कौन से कुल के हो? नीचे गोत्र के, उच्च गोत्र के? कौन से? उचक्का से सही तो कहा है। हमारे लिए कोई ऐसा कुछ कह दे, हम आपके कहना चाहते हैं उसको बुरा नहीं मानना, क्षमा भाव धारण करना, गलत नहीं कहा है, हम लंडे खड़े हो जाते हैं। उसने ऐसी गाली क्यों दी? चाहे वो भाई भाई में हो, परिवार में हो, पड़ोसियों में हो, दीवानी जेठानी में हो, सास भी में हो, बस कोई भी रस्तों में भी हो, किसी भी क्षेत्र में भी हो, राजनीति में हो, समस्या में, ये सब प्रसंग आते हैं, उस समय हमको अपने क्षमा धारण करना ही हमारा सोना जैसा पीलापन सिद्ध करता है। इसलिए सोने की कीमत समझो। इसे मनुष्य पर्याय में जो हमको आत्म तत्व मिला है, साधना करने के लिए मिला है, जो प्रसंग आने वाला है पाषाण से परमात्मा बनने का, वही हमको शिक्षा देने के लिए आ रहा है कि हमको भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनना है। अब ये बात तो हो गई, अब तीन मिनट बाकी हैं। उसने ठीक किया, गले में सर्प क्यों डाला उसने फिर मरा हुआ? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, उसने सही किया है। क्यों क्यों सही किया है? उसने महाराज जी ने क्या जवाब दिया आपको बता दे, सुनना चाहते हो? महाराज जी ने कहा कि कोई भी कूड़ा कचरा आदि होता है वो आप कहाँ फेंकने जाते हो? कूड़ा कचरा के ढेर में फेंकने जाते हो ना, कि घर के उसमें डाइनिंग रूम में रखते हो, ड्रेसिंग रूम में रखते हो? जब भी घर का कूड़ा कचरा जब सफाई होती है तो जब, अब तो आजकल तो गाड़ी आने लगी है ना, हाँ क्या गया जल्दी कर घर से निकाल, है ना, है गाड़ी वाला आया कचरा निकाल कचरा निकाल। एक गुरु महाराज जी भी यहाँ पर इसलिए आए हैं, आपको ये तो कह रहे हैं, वो मौन संदेश दे रहे हैं कि आए हैं यहाँ पर अपने अंदर जो कसा है क्रोध मन माया उनका का कचरा निकाल कचरा निकाल। क्या गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं ना। जब भी गाड़ी आए आपके घर सामने निकले आप कचरा तो फेंको, उसमें ठीक बात है, हमें से ध्यान भी रखना कि यहाँ पंचकल्याण नेवरा में हुआ था उस समय आचार्य श्री आए थे, वो भी कह रहे थे कि अपने क्रोध मन माया लोभ का कचरा निकाल। इसी गाड़ी के बहाने कचरा निकालने वाले से हम तो प्रभु को गुरु को याद कर लेते हैं, ये कर्मेंद्रा के साधन कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ कचरा कचरा घर में फेंका जाता है उसे ढेर में,